पाकिस्तान दुनिया भर में भले ही घूम घूम कर गीदड़ भव की देता रहे, लेकिन सच्चाई तो उसे भी पता है कि वो भारत की सैन्य क्षमता के आगे कहीं नहीं टिक सकेगा। नया भारत हर दिन और अधिक शक्तिशाली हो रहा है। भारतीय सेना ने तो अपनी मारक क्षमता को मजबूत करने का एक और उदाहरण पेश किया है। भारतीय सेना दुश्मन से हर पर लोहा लेने के लिए खुद को तैयार रखती है। भारतीय सेना ने युद्ध की परिस्थितियों में देश के दुश्मनों को तुरंत प्रतिक्रिया देने के उद्देश्य से पाकिस्तान बॉर्डर पर जैसलमेर के रेगिस्तान में चल रहे वॉर गेम एक्सरसाइज सुदर्शन शक्ति का दूसरा पार्ट शुरू किया है, जो 4 दिसंबर तक चलेगा। खास बात यह है कि इसमें वायुसेना भी हिस्सा ले रही है। इस दौरान पूरा पोखरण रेंज और बाड़मेर का रेगिस्तानी इलाका रेत के गुबार से सना हुआ नजर आ रहा है। सुदर्शन चक्र कॉर्प के तहत आयोजित हो रही एक्सरसाइज में भारतीय सेना के 40,000 जवान, 450 युद्धक टैंक वॉर गेम के तौर तरीकों का अभ्यास कर रहे हैं। इस अभ्यास में पहली बार भारत में निर्मित K9 वज्र गन अपनी जोरदार मारक क्षमता का प्रदर्शन कर रही है। यह गन हाल ही में भारतीय सेना में शामिल की गई है और भारतीय सेना में शामिल सबसे लंबी दूरी पर मार करने वाली गन है। K9 वज्र गन ने अपनी काबिलियत को सिद्ध करने के लिए दुश्मन के छद्म ठिकानों पर अचूक निशाने साधकर पूरे रेगिस्तानी क्षेत्र में जलजला पैदा कर दिया है। इस दृश्य को देखकर पाकिस्तान की रूह कांप उठेगी।